छुपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए डिंडौरी में केबीसी की तर्ज पर कलेक्टर ने बच्चों को हॉट सीट पर बैठाकर उनसे सवाल पूछे। इस शो में बच्चों ने भी जमकर भागीदारी की और इनाम भी जीते। डिंडौरी में समनापुरा जनपद मुख्यालय मैदान में जिला प्रशासन ने शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता खेली, जहाँ कलेक्टर विकास मिश्रा बच्चों से सवाल करते नजर आए। प्रतियोगिता में 12 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। कलेक्टर ने बच्चों को हॉट सीट पर बैठाकर सवाल पूछे। इनमें 2 बच्चों ने 1500 रुपए के इनाम जीते। प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। अमिताभ बच्चन की तरह कलेक्टर विकास मिश्रा हॉट सीट पर बैठे बच्चों से प्रश्न करते नजर आए। पहला सवाल 100 रुपए से शुरू हुआ, अंतिम प्रश्न 2000 रुपए तक पूछा गया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने शासकीय योजनाओं और सामान्य जानकारी के प्रश्न बच्चों से पूछे, जिनमें छात्र अंकित ध्रुवे और गोकुल सिंह ठाकुर ही 1500 रुपए जीत सके। प्रतियोगिता में शामिल हुई छात्रा कीर्ति मरावी और सोनाली एक्का का कहना है कि पहली बार ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इससे पहले किसी ने इस तरह के सवाल हमसे नहीं पूछे। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके, मतलब मैं नहीं सोची थी कि मेरा सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा करके, पर मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें भी मेरे को खुशी है। मैं यहाँ आके खेली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं केबीसी उसमें एग्ज़ाम दिया था, सभी स्कूलों के सरकारी स्कूलों का 11वीं एग्ज़ाम हुआ, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि उसमें जो भी पास हुआ होगा उनको केबीसी खिलाया जाएगा, और मैंने केबीसी के एग्ज़ाम में पास किया 14 अंकों से, और यहाँ पे आके मैंने केबीसी एग्ज़ाम दिया तो यहाँ पे मैंने 1500 रुपए जीते 7वें प्रश्न तक आके। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता में केवल शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को ही शामिल किया गया। कलेक्टर विकास मिश्रा का कहना है कि इस जिले में बहुत सारी प्रतिभाएँ छुपी हुई हैं, बस उन्हें खोजना बाकी है। इस तरह के आयोजन से बच्चों के मन के अंदर की झिझक खत्म होगी, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा का भाव आएगा। क्योंकि भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस वीक डिक्लेयर किया था, तो हमने गुड गवर्नेंस को नए ढंग से लागू करने के लिए, ताकि बच्चे जाने कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, तो एक नए ढंग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। सारे प्रश्न जो है वो गुड गवर्नेंस संबंधित थे। निश्चित रूप से बच्चों ने जो आज इनाम जीते हैं, कुछ बच्चे कम भी जीत पाए होंगे, वो जाके जरूर पढ़ेंगे लौट के। मैं चाहता हूँ कि सरकार की योजनाएँ वहाँ तक पहुँचे जिनको लाभ मिलना है, ताकि यदि हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी चाहे भी तो वो दुरुपयोग ना कर पाए, जिसका जो हक है उसको मिले, और गवर्नेंस वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए। सबको साथ, सबका साथ मिले, सबका विकास हो, हर आदमी आगे बढ़े और वो एक बेहतर भारत बनाए और बेहतर नौकरी खड़े करे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।